Hey friends, welcome to Doubt Clearance Part 9 and on my channel Supanch Study. जैसा कि आप सभी को पता है, Doubt Clearance का इस सीरीज में आप लोग का जो भी टॉप कमेंट रहते हैं वो सभी को पिकअप किया जाता है, जिसका डाउट क्लियर नहीं किया जा सकता उस समय देन उसको इस सीरीज के अंतर्गत डाउट क्लियर किया जाता है। तो आप लोग का जो भी डाउट हो, आप लोग चैनल के कोई भी वीडियो पे डाउट अपना पूछ सकते हैं कमेंट करके, और आप लोग का नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से डाउट क्लियरेंस का आप लोग का डाउट क्लियर किया जाएगा डिटेल्ड वीडियो के माध्यम से। तो आइए जानते हैं सबसे पहला डाउट जो भी है वो है BTSC की तरफ से। और बताना चाहेंगे, डाउट क्लियरेंस का वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास लेटेस्ट टू लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग BTSC JEE, LRC बिहार, UDSD बिहार और कोई भी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड टू इंजीनियरिंग का अपडेट आपके पास सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आती रहे। तो आइए जानते हैं इस सीरीज के अंतर्गत का जो भी डाउट है आप लोग का वो। तो जैसा कि देख रहे हैं, सबसे पहला डाउट है BTSC JEE को लेकर सबसे बड़ा डाउट सभी कैंडिडेट का रहता है काउंसलिंग के रिगार्डिंग, कि काउंसलिंग आखिर कब होगा BTSC JEE का। जो भी 6379 पोस्ट भरी गई है, दी गई है डिपार्टमेंट की तरफ से, उस पर आखिर काउंसलिंग कब होगी, इसके रिगार्डिंग सभी के मन में डाउट है। तो बताना चाहेंगे, जो प्रोसेस UDSD बिहार आप लोग देख रहे हैं हाल फिलहाल में काउंसलिंग के लिए अपनाई है, पहले काउंसलिंग लिस्ट निकाला गया, उसके बाद काउंसलिंग का डेट दिया गया और आप लोग का उस डेट पर काउंसलिंग करवाया जाएगा। तो लिमिटेड स्टाफ के चक्कर में आप लोग का काउंसलिंग 4 से 5 डे में कंप्लीट करवाई जा रही है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो यदि लॉकडाउन बढ़ता है देन BTSC भी एक ऐसा ही प्रोसेस अपना सकती है, कोई एक ऐसा स्पेशल ऐप बने, वीडियो कॉलिंग ऐप डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें हाई रेजोल्यूशन आप लोग की फ़ोटो और डॉक्यूमेंट की फ़ोटो आए और उसके बाद आप लोग की काउंसलिंग करवाई जाए ऑनलाइन, और इसी से आप लोग की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाए और उसके बाद मेरिट बन जाए, मेरिट बनने के बाद ज्वाइनिंग होने की प्रोसेस होगी। तो इन सभी में आप लोग का 1 to 2 month, 3 month, 4 month लग जाता है काउंसलिंग में। तो ऐसा भी पद्धति अपना सकती है, ऐसा भी प्रोसेस BTSC अपना सकती है। तो आप लोग वेट करिए डिपार्टमेंट का क्या नोटिस आता है लेटेस्ट टू लेटेस्ट। ज़्यादा चांस है कि आप लोग का ऑफलाइन ही काउंसलिंग होगी यदि लॉकडाउन नहीं बढ़ता है तब, यदि बढ़ता है इसी यही कंडीशन रहता है तो आप लोग की काउंसलिंग ऑनलाइन भी हो सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, BTSC में BTEC एलिजिबल है या नहीं है। तो इसमें आप लोग को बताना चाहेंगे कि कोई भी कैंडिडेट जो BTEC वाले कैंडिडेट है, जिनके पास भी बैचलर डिग्री है, BE के कैंडिडेट हो, वो भी जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं, चाहे वो इनकरेक्ट ढंग से ही किए होंगे आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि फॉर्म में जो है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आ रहा था। तो हो सकता है BTSC में भी BTEC वाले कैंडिडेट ये कलाकारी ज़रूर किए होंगे कि डिप्लोमा डाल के और BTEC वाले अंक भरे होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। काउंसलिंग के समय में आप लोग का ये कैंडिडेट बुलाए भी जाएंगे तो इनको अनसेलेक्ट कर दिया जाएगा और इनको बाहर निकाल दिया जाएगा काउंसलिंग से। ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट में भी BTEC वाले कैंडिडेट किए थे, बट वहाँ पे अनसेलेक्ट किया गया था, उन सभी कैंडिडेट को काउंसलिंग में भी नहीं बुलाया गया था। देखते हैं BTSC क्या करती है, काउंसलिंग में बुलाती है या नहीं बुलाती है उन सभी कैंडिडेट को। तो जो भी होगा प्रोसेस, आप लोग को सभी का सभी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आप लोग को ऑफिशियली कहीं से भी आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से बने रहें, आपको लेटेस्ट लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेकंड जो क्वेश्चन है वो है लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लेकर वेटिंग वाले कैंडिडेट का, कि LRC वेटिंग में जो भी कैंडिडेट है, चाहे वो आप लोग का ASO के कैंडिडेट हो, कानूनगो के हों, चाहे अमीन के हों, चाहे क्लर्क के हों, जिनका भी वेटिंग में नाम हो, वो सारे कैंडिडेट क्या टेक्निकल मैनुअल पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ सकते हैं अभी? तो बताना चाहेंगे, आप लोग के पास टाइम मिलेगा टेक्निकल मैनुअल पढ़ने का, जो भी वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं आप लोग वेट करिए कितना सीट खाली बचता है आप लोग का। जैसा कि देख रहे हैं PRD बिहार भी लग नहीं रहा है कि अब ज्वाइनिंग देगा जो भी रेस्ट कैंडिडेट हैं, तो हो सकता है 500-600 कैंडिडेट का जो है लोड बढ़े, तो 1200-1300 के लगभग सीट खाली बचेगी। तो आप लोग उस अनुसार से अनुमान लगा लीजिए कि आप लोग का नाम आ सकता है या नहीं आ सकता है। यदि लगता है आप लोग का नाम आ सकता है देन आप लोग तैयारी करिए, टेक्निकल मैनुअल पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग के पास अभी टाइम बहुत है लॉकडाउन में, आप लोग पढ़िए और कोई भी डाउट हो तो पूछिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है LRC अमीन रिजल्ट को लेकर,
कि आखिर LRC अमीन का रिजल्ट कब आएगा। जो भी अमीन के कैंडिडेट 550 पोस्ट पर ITI सर्वेयर के कैंडिडेट जो भी फॉर्म फिलअप किए हैं उन सभी कैंडिडेट को बताना चाहेंगे कि आप लोग का नवंबर में जो भी कैंडिडेट का काउंसलिंग करवाया जा चुका है उनका तो फिलहाल काउंसलिंग नहीं होगा, बट जिनका भी रेस्ट सीट जो बच जाता है, मान लीजिए 300 कैंडिडेट का पहले उस लिस्ट के अनुसार से सिलेक्ट हो गया बट अभी भी 250 कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है डिपार्टमेंट को, तो जब तक पूरा कैंडिडेट नहीं मिलेगा डिपार्टमेंट को तो एक साथ ज्वाइनिंग लेटर नहीं भेजेगा। तो हो सकता है आप लोग का 220 सीट जो या 250 सीट जो भी बच जाता है डिपार्टमेंट के पास उसका 250 कैंडिडेट या कहें 150 कैंडिडेट को जो है काउंसलिंग करवाया जाए, वो भी हो सकता है ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन अभी पॉसिबल नहीं है। जैसा कि आप अभी कंडीशन चल रहा है UDSD वाला ही प्रोसेस अपना सकती है कोई भी डिपार्टमेंट काउंसलिंग के लिए। तो जैसा भी कोई अपडेट आएगा फ्यूचर में आप लोग को सूचित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का PRD वर्सेस LRC को लेकर कि जॉब किस में बेटर है। तो आप लोग को एक वीडियो दिखेगा जो हमारे चैनल पर मिलेगा LRC वर्सेस PRD का कौन है बेहतर, वो वाले भी वीडियो देख सकते हैं, उसमें भी आप लोग को कुछ अंदाज लग जाएगा। और बताना चाहेंगे कि PRD बिहार में जो भी कैंडिडेट लगे हैं वो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पर लगे हैं, तो जिनका भी टेक्निकल असिस्टेंट पे होने का चांस है, उम्मीद लग रहा है और LRC कानूनगो में है, तो आप लोग लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ जाइए, क्योंकि PRD बिहार का लगभग वर्क कंप्लीट होने को है, क्योंकि बहुत सारा जो डिपार्टमेंट है PHAD हुआ या बहुत सारे डिपार्टमेंट पहले ही वर्क ले ली थी जो कंप्लीट कर दी है, लगभग वर्क कंप्लीट हो चुका है PRD में, तो आप लोग को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा उसमें जाकर अभी। तो आप लोग लैंड रेवेन्यू में कानूनगो के पोस्ट पर जा सकते हैं, इसमें अभी आप लोग का न्यू वर्क रहेगा, इसमें एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा आप लोग को, चाहे वो स्पेशल सर्वे अमीन हो चाहे वो JEE के जो भी कैंडिडेट लगे हैं स्पेशल सर्वे अमीन के पोस्ट पर, उन सभी को एक न्यू एक्सपीरियंस का अनुभव मिलेगा। यदि नहीं होता है आप लोग का PRD बिहार में तो आप लोग इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप लोग को कौन सा बेहतर लगता है, आप लोग उसकी तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है UDSD बिहार को लेकर कि जो भी कैंडिडेट अदर स्टेट में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं तो उन कैंडिडेट का काउंसलिंग कैसे हो पाएगा। तो बताना चाहेंगे आप लोग का ऑनलाइन काउंसलिंग हो रहा है जिसमें आप लोग को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखना जरूरी कर दिया है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो आप लोग या तो एक बार डिपार्टमेंट से बात कर लीजिए कि हम लॉकडाउन में फंसे हुए हैं बाहर, हमारा काउंसलिंग कैसे होगा, हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है ओरिजिनल वाला। यदि वो कहते हैं कि आप लोग का जीरोक्स कॉपी जो भी है आप लोग का कलर फोटो कॉपी या जीरोक्स कॉपी से चल जाता है, देन आप लोग काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, वरना ज़्यादा चांस है डिपार्टमेंट जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही देखेगी। तो जैसा भी कोई अपडेट होगा आप लोग को सूचित करेंगे, नहीं तो आप लोग फ़ोन करके ज़रूर पूछिए कि आप लोग की काउंसलिंग कैसे हो पाएगी, क्योंकि काउंसलिंग का भी डेट बहुत नज़दीक दे दी गई है, तो आप लोग ज़रूर पूछिए फ़ोन करके। पहला दायित्व तो आप लोग का यही बनता है जो भी कैंडिडेट का सिलेक्ट हुआ है। दूसरा है कि UDSD का काउंसलिंग को लेकर ये है कि ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे होगा। बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि फेस देखकर करते हैं काउंसलिंग या सर्टिफिकेट देखकर करते हैं, तो बताना चाहेंगे डिपार्टमेंट जो है दोनों देखती है, फेस भी देखेगी और आप लोग का सर्टिफिकेट भी देखेगी। तो एक डिपार्टमेंट ने स्पेशल ऐप बना रखा है जो कि लिंक आप लोग को जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको लिंक मोबाइल SMS या आप लोग का ईमेल ID के थ्रू पहुँचाया जाएगा, और उसी के थ्रू आप लोग उसी में आप लोग को ईमेल मतलब आप लोग को User ID और पासवर्ड दिया जाएगा, जिससे आप लोग का उस टाइम पे जो टाइम दिया गया है उस टाइम पे आप लोग की काउंसलिंग करवाई जा सके। तो आप लोग ज़रूर भाग लीजिए काउंसलिंग में, आप लोग का फेस भी देखा जाएगा और ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी। और बात करेंगे सर्टिफिकेट को लेकर कि फेक सर्टिफिकेट वाले भी कैंडिडेट एडिटिंग करके दिखा सकते हैं, लेकिन वो कैंडिडेट कब तक बचेंगे, वो कैंडिडेट का फिर से सर्टिफिकेट जांच होने के लिए जाएगा जब कॉलेज जब सेलेक्ट हो जाएंगे कैंडिडेट, उस समय पकड़ा जाएंगे, पकड़ाते समय उनके ऊपर FIR हो सकता है, बहुत सारा रूल है इनके खिलाफ, तो वो सब चलेगा। और जो भी सीट बचेगा हो सकता है कि 150 कैंडिडेट बुलाया, 0.75 टाइम्स ही कैंडिडेट काउंसलिंग में बैठ पाया, तो 0.25 कैंडिडेट कहाँ से लाएंगे। तो उस कंडीशन में जो है आप लोग का फिर से न्यू लिस्ट बनाया जाएगा उतने कैंडिडेट का,
जो आप लोग का फॉर्म फिलअप हुआ है उसी में से सिलेक्ट किया जाएगा और उनको दोबारा काउंसलिंग के लिए इनवाइट किया जाएगा और फिर से हो सकता है कि ऑनलाइन काउंसलिंग जो है आप लोग की करवाई जाए। तो इसी तरह से प्रोसेस होता रहेगा, जो भी अपडेट आएगा आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। और कोई भी कमेंट हो आप लोग का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, आप लोग का डाउट क्लियर किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।